जैसी जिसकी नियत वैसी उसकी बरकत। जब जीवन में दुख का नियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन। तो भामा के लिए आप मुझे यहाँ तक लाए साईं, आपको सबकी चिंता रहती है, आपके हृदय में सबके लिए करुणा है, सबके लिए दया है। माँ, पिताजी अहमदनगर गए, वो कल लौटेंगे ना? हाँ। तो क्या मैं अपने दोस्तों से मिला? अंताजी पंताजी कह रहे थे कि अध्यापक जी ने एक पेड़ के नीचे नई पाठशाला खोली है। केशव, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बाहर निकलने से मना किया है ना? और तुम तो जानते हो तुम्हारे पिताजी अध्यापक जी से कितना चिढ़ते हैं। कहीं उन्हें पता चला कि तुम उनसे मिलने गए थे, कहीं वो तुम्हें। उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा माँ, बहुत दिनों से अपने दोस्तों को देखा नहीं है, किसी से मिलूंगा नहीं, दूर से देखकर लौट आऊंगा। एक बार जाने दीजिए ना माँ, जाने दीजिए ना। ठीक है, लेकिन जल्दी लौट आना। ठीक है माँ। जा। बच्चों, अब मैं तुम्हें एक कविता सुनाऊंगा और तुम्हें उसे मेरे बाद दोहराना है, ठीक है? हो कठिन जो राह तो रुकना नहीं चलना ही है। कोई बात नहीं, एक बार फिर से करते हैं। हो कठिन जो राह तो रुकना नहीं चलना ही है। अध्यापक जी, ये कौवे भी हमारे साथ कविता पाठ कर रहे हैं। हम भी देखे कब तक ये बच्चे इस तरह खुले में पढ़ाई कर पाते हैं। चलो फिर से कोशिश करते हैं। अंताजी, वो कठिन जो राह तो रुकना नहीं चलना ही है। वो कठिन जो राह तो रुकना नहीं चलना ही है। ये क्या गिरा मेरे ऊपर? मेरे ऊपर भी कुछ गिरा, ऐसे लगता है जैसे ऊपर से कोई कुछ फेंक रहा है। पेड़ के नीचे पढ़ाई करोगे तो ऐसे ही होगा ना? हो सकता है कोई पक्षी, कोई चिड़िया या फिर बंदर। बंदर भी तो है यहाँ। बंदर? बंदर होगा कहीं, लेकिन तुम लोग कर भी क्या सकते हो? उस खंडर में रहने वाले साईं के भक्त इसी तरह की पाठशाला में पढ़ेंगे ना? हमारी द्वारका माई को खंडर सिर्फ
बंदर ही समझ सकते हैं। पेड़ के नीचे शिक्षा पाने वालों पर हंसने वाले सिर्फ अनपढ़ ही हो सकते हैं। देखा, मेरे विद्यार्थियों से कुछ भी कहने से पहले थोड़ा ज्ञान अर्जित कर लेते, वरना हर बार तुम्हें ऐसे ही मुंह की खानी पड़ेगी। लगता है जैसे सचमुच कोई बदमाश बंदर है जो चाहता है कि हम सब ना पढ़े, इसलिए हमें वो बार बार तंग कर रहा है। अब तो इस बंदर को हम भगा कर ही रहेंगे। के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है भामा, ये तो एक सौदा है जिसमें फायदा तुम्हारा भी है और हमारा भी। कारीगर को काम देने के लिए मुझे शिरडी से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तो समय और पैसे दोनों की बचत होगी। मैंने तो अली के अब्बू से कह दिया है कि जिस कारीगर को आप काम देने वाले थे उसने तो मना कर दिया, पर अब मेरी सहेली इस काम को पूरा करेगी। कोशिश करना कि आज रात में कढ़ाई का काम पूरा हो जाए ताकि कल सुबह अली के अब्बू बाजार जाकर इसे बेच सके। तुमने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस विश्वास का मान रखूंगी। मैं तो सरकार को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहा अंदाजी। अगर उन्हें पता चला कि बच्चों ने मुझे रुई की तरह धुना है तो अंदाजी। हम तो माधव को पाठ पढ़ाने गए थे लेकिन इन बच्चों ने हमें ही पाठ पढ़ा दिया। अब तो इन बच्चों से भी बदला लेना होगा। वैसे अंता जी, अगर वहां पर बच्चों के साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो उनके माता पिता खुद ही बच्चों को पाठशाला भेजना बंद कर देंगे, है कि नहीं? कर तो देंगे लेकिन दुर्घटना कैसी और कैसे घटेगी? वहां तो ना ही दीवार है ना ही कोई छत, फिर कैसे होगा? मिल गया उपाय अंता जी, मिल गया उपाय, भगवान हमारे साथ है। भामा, बहुत देर हो गई है, चलो सो जाओ। नहीं, मैं काम खत्म करके सो जाऊंगी। मैंने रिहाना को वादा किया है सारी दुशाला में कढ़ाई करके उसे सुबह देना है, बस दो ही बच्चे हैं। आप सो जाइए। नहीं तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ जागता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं, सुबह उठ के आपको बच्चों को पढ़ाना भी तो है। आप चिंता मत कीजिए, आप सो जाइए।
ठीक है, अगर कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे जगा देना। पांडुरंगा, धागा तो खत्म हो रहा है। क्या करूं? अभी दो दुशाला बाकी है। गलती मेरी ही है। दिन में ही क्यों नहीं देख लिया कि काम करने के लिए सारा सामान मेरे पास है या नहीं? हे भगवान, अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो रिहाना मुझ पे कभी भरोसा नहीं करेगी। जीने का एक ही साधन मिला था और वो भी हाथ से चला जाएगा। साई मेरी मदद करिए, सहायता करिए साई। जितना बचा है उतना तो पूरा कर लूं। आया था, फिर भी मेरी सारी दुशालाओं में कढ़ाई पूरी हो गई। ये कैसे हो सकता है? Ah!
साई, सच में आप हमारे साथ हो, हर पल, हर समय, हर हाल में। ओम साई राम, ओम साई राम। सरकार, रहम सरकार, सरकार सरकार, 10 दिन और लगेंगे आपकी ब्याज की किस्त चुकाने में। यदि समय पर ब्याज नहीं दोगे तो तुम्हारे भूमि पर मेरा अधिकार हो जाएगा। हरिओम। पिताजी तो अहमदनगर से कल लौटने वाले थे, आज कैसे आ गए? सरकार, मैंने तो मूल और सूद दोनों चुका दिया है, अब तो मेरी जमीन के कागज वापस दे दीजिए कृपा करके। ठीक है, आज दिखा भाई मैं जांच करूंगा और कल बताऊंगा तुम्हें, जाओ। केशव 12। हाँ, क्या देख रहा था छुपकर? वो क्या? वो बैठ। और देखना ही है तो छुपकर नहीं, अपने पिता के साथ बैठ कर देखो बेटा, आगे जाके ये सब सीखना है तुम्हें मुझसे, अत्यंत महत्वपूर्ण बात। लोगों को जितनी पीड़ा दोगे, जितनी यातना दोगे, उतने ही बलशाली समझे जाओगे तुम। गोविंद राम जी, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। आप मतलब देविदास जी शिरडी वापस आ गए हैं? हरिओम, हरिओम। केशव आ बेटा, चरण स्पर्श कर इनका। आयुष्मान भव। हरिओम, हरिओम। ये गोविंद राम जी है, देविदास जी के शिष्य। देविदास जी एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष है, उनके शिष्य है ये। उसके जैसे नहीं जिसे तुम सिद्ध समझते हो। हरिओम। ये किसकी चर्चा कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसे समझा रहा था। आप बताइए, आप गुरुजी के साथ कब लौटे शिरडी? गुरुजी तो अभी काशी में ही है, वे शीघ्र ही शिरडी लौटेंगे। उन्होंने आपके लिए गंगा जल भेजा है, बस वही देने आया था। हरिओम, हरिओम। आरती लो बेटा। इस दिए की रोशनी की तरह हमेशा तुम्हारा जीवन रोशन रहे, तुम्हारे दिन और रात खुशियों से जगमगाते रहें। आज तुम्हारे जन्मदिन पर ढेर सारा आशीर्वाद। साईं, आ जाओ। तात्या का जन्मदिन है आज। ईश्वर की कृपा तुम पर सदैव बनी रहे। ये लो, और ये तुम अपने दोस्तों और अध्यापक जी को देना, मिठाई है इसमें। भाईजा का बेटा, उसका जन्मदिन, और क्या चाहिए? चलिए अंता जी। हरिओम।
अगली समस्या किसकी है? प्रणाम सरकार। बताओ क्या समस्या है? सरकार, ये बच्चा मेरा है सरकार, और मेरी पड़ोसन इस पे अपना दावा कर रही है, केवल इसलिए क्योंकि इसका प्रसव भी मेरे प्रसव के समय पे हुआ था। अब आप ही न्याय कीजिए। ये झूठ बोल रही है सरकार। जन्म के कुछ समय बाद ही इसका बच्चा मर गया था और इसने मेरा बच्चा चुरा लिया था। उसी समय से ये इस बच्चे पर अपना दावा कर रही है, कहती है कि ये इसका बच्चा है। मुझे मेरा बच्चा दिला दीजिए सरकार, न्याय कीजिए। सरकार ये झूठ बोल रही है, ये बच्चा मेरा है। अरे झूठ तो तेरी औरत बोल रही है, तेरी औरत झूठी और तू झूठा। तू झूठा, हम कहा झूठ बोल रहे हैं? झूठ तू बोल रहा है, बच्चा मेरा है। जिसने प्रसव कराया है इन दोनों स्त्रियों का, उस दाई को बुलाओ। मैं यहाँ हूँ सरकार। प्रणाम सरकार। बोलो। मैंने ही प्रसव कराया था, इन दोनों को एक साथ में दर्द उठा था, इसलिए इनको एक ही कक्ष में रखा। उस समय के अंतराल पर इन दोनों को एक एक लड़का हुआ। उसके बाद कुछ समय के लिए मैं उस कक्ष से बाहर चली गई थी, पर सरकार जब मैं वहां वापस पहुंची तो एक लड़का मर चुका था और ये दोनों उस जीवित बच्चे पे दावा करते हुए झगड़ रही थी। सरकार, मैंने प्रसव जरूर कराया था, लेकिन वो नवजात शिशु के चेहरे को मैं इतना गौर से नहीं देख सकी कि मैं बता सकूं ये बच्चा किसका है। अरे ओ, तो तुम में से किसी ने बच्चा चुराया है? असत्य कहने का यदि दुस्साहस किया तो जानते हो परिणाम क्या है। हरि ओम। सरकार, मैं अपना बच्चा क्यों चुराऊंगा? मुझे तो बच्चे को दिखा के कहा गया कि बेटा हुआ है। सरकार, हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए। इसका मतलब बच्चा मैंने चुराया है? हाँ, मेरा बच्चा स्वस्थ था, वो मर ही नहीं सकता। तुम्हारा बच्चा मर गया होगा। मैंने इस बच्चे के लिए 11 मंदिरों में मन्नत मांगी सरकार, भला मेरा बच्चा कैसे मर सकता है? आप ही न्याय कीजिए सरकार। और हमने कितनी जगह मत्था टेका हो तुम्हें मालूम है? अरे हमने बच्चा चोरी नहीं किया भाई, ये हमारा बच्चा है सरकार। अरे ओ, बच्चे का चेहरा देखकर ये प्रतीत होता है कि इसकी मां ये है। धन्यवाद सरकार। ये कैसा न्याय है सरकार? इसकी मां मैं हूं, ये मेरा बेटा है। न्याय पर यदि आपत्ति है, तुम लोगों को असंतोष है, तो आते क्यों हो मेरे पास न्याय मांगने के लिए? क्यों समय व्यर्थ करते हो मेरा? हरि ओम। सरकार, सुन लिया, न्याय मेरे पक्ष में हुआ है, ये बच्चा मेरा है। नहीं मानती मैं इस न्याय को। एक माँ का दिल ही जानता है कि ये किसका बच्चा है। पापा जी, आप ही कुछ कीजिए, इस समस्या का समाधान निकालिए। देखिए, ये काफी गंभीर समस्या है, हम साई के पास चलते हैं। हो सकता है वही कोई रास्ता निकाल दे। साई, वो तो वैध है, न्याय तो यहाँ केवल कुलकर्णी सरकार करते हैं। सिर्फ उनके पास ही फैसला सुनाने का अधिकार है। अगर फैसला तुम्हारे पक्ष में ना होता तब देखती मैं। हम तो जाएंगे साईं के पास। हम तो दौर का मैं जाएंगे। चलो चलो ना, चलो आ जाओ।
बच्चे को शांत कराओ। देखा नहीं हो रहा ना चुप, उसके पास जाकर तो और ज्यादा रो रहा है। कोशिश करो। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। ये तो दोनों से ही चुप नहीं हो रहा है साईं। तुम लोग बच्चे को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, है ना? हाँ साई। हाँ चलो देखते हैं क्या कर सकते हो। पापा जी वो कंबल उठाइए। अब हम रस्सा कसी का खेल खेलेंगे। जो भी बच्चे को अपनी ओर खींचने में कामयाब होगा बच्चा उसी को मिलेगा, चाहे बच्चा उसका हो या ना हो। तैयार हो? हाँ हम तैयार हैं। हम भी तैयार हैं साईं। तुम्हें यह खेल जीतना ही होगा। देखो तुम्हें यह खेल जीतना है। भी देखती हूँ कैसे छीनती हो तुम मुझसे मेरा बच्चा। नहीं साईं मुझे ये खेल मंजूर नहीं है। मैं झूठी, वो सच्ची, मैं बच्चा उसे देने के लिए तैयार हूं। इस खेल में मेरे बच्चे की जान भी जा सकती है। मैं उसको दर्द में नहीं देख पाऊंगी। अरे क्या कह रही हो तुम, ये तुम अपना बच्चा ही ना दे रही हो। बच्चा मेरे पास ना सही, उसके पास ही सही, पर सुरक्षित तो रहेगा ना वो। मेरी आंखों के सामने तो रहेगा ना वो। देखा देखा ये बच्चा मुझे दे रही है। साबित हो गया ना ये बच्चा किसका है। नहीं बल्कि ये साबित हो गया इस बच्चे की असली मां कौन है। अपनी संतान के लिए त्याग का अर्थ समझने वाली, खुद से पहले अपने बच्चे की फिक्र करने वाली, अपने बच्चे की सलामती के लिए
बिना किसी संकोच हार जाने वाली वो मां ये है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.